राम राम सा दोस्तों, आज राजू का सफरनामा पहुंचा है वीर हनुमान जी मंदिर सामोद की पहाड़ियां नांगलबल्डा। वीर हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाएंगे, तो अभी आगे चलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर चौमू तहसील के नांगलबल्डा गांव में स्थित है ये हनुमान जी का मंदिर। ऊपर मंदिर में जाने के लिए यहाँ रोपवे भी लगाया गया है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। और सीढ़ियों की बजाय ऊपर मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले भी हैं। देखो बच्चे यहाँ खूब मस्ती से आनंद लेते हैं। हम मंदिर में चलने के लिए सीढ़ियों की तरफ चलते हैं, जो करीब 1100 सीढ़ियाँ यहाँ बताई जाती हैं। ये एक और गेट है आपके स्वागत के लिए है। वीर हनुमान जी का ये मंदिर करीब 600 साल पुराना बताया जाता है। 1554 ईस्वी में संत श्री नग्नदास जी महाराज एवं उनके शिष्य लालदास जी महाराज ने चट्टान काटकर ये विशाल 6 फीट ऊंची मूर्ति बनाई थी, और उसके बाद से ही इसकी पूजा की जाती रही है। मंदिर में ऊपर जाने के लिए ये देखो ये कच्ची सड़क भी बनाई जा रही है, जो बाद में पक्की की जाएगी ताकि यात्रियों को और काफ़ी सुविधा मिल। निःशुल्क जल सेवा है, कुछ लोग सेवा भाव से यहाँ ये सेवा करते हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। ये एक दूसरा रास्ता है जो सामोद गांव की तरफ से आ रहा है, आप सामोद की तरफ से भी यहां आ सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर से ये बिल्कुल विशाल और सुंदर दृश्य जो मन को मोह लेता है। प्रसाद के लिए ये कुछ दुकानें हैं जहाँ आप हनुमान जी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद में नारियल, पेड़े, चने और मिश्री यहाँ मुख्य तौर पे मिलती है। अगर आप बिल्कुल थक गए हैं तो यहाँ जलपान नाश्ता भी कर सकते हैं। ये फूल मालाएं हैं जो हनुमान जी के चढ़ाई जाती हैं, और ये हनुमान जी के प्रिय वानर। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का बाहरी दरवाजा और अंदर ये विशाल प्रतिमा, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये अलौकिक दृश्य आप देख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संत श्री नग्नदास जी महाराज इस मूर्ति की पूजा पर्दा लगा के ही किया करते थे, किसी को दर्शन नहीं होते थे। लेकिन एक बार जब नग्नदास जी महाराज तीर्थ के लिए बाहर गए तो उनके शिष्य लालदास जी महाराज ने किसी भक्त के आग्रह पर उनको इस प्रतिमा का दर्शन करा दिया। जब बाद में नग्नदास जी महाराज लौट के आए
तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने शिष्य को बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करते, ये पर्दा नहीं हटाते, तो ये मूर्ति बोलती, सभी भक्तों से बातें करती। उसके बाद से इस मंदिर की पीठ की भी पूजा की जाती है। मंदिर के पास ही एक ऋषि कुल भी बना हुआ है, जहां वेदों की शिक्षा दी जाती है। अब हम वापसी की ओर हैं, सीढ़ियों से ही नीचे उतरेंगे। ये देखिए सीढ़ियों का नज़ारा। सरकार ने यहाँ भोजनशालाएँ भी बनवाई हैं, जो काफ़ी सुंदर और विशाल हैं। यहाँ भक्त लोग स्वामणी करते हैं। स्वामणी में यहाँ चूरमा, दाल, बाटी, यही हनुमान जी को भोग लगता है और उसके बाद में यही प्रसाद जिमाया जाता है। ये देखिए प्रसादी ग्रहण की जा रही है।